हो सके तो वो मुझे और दीपांजन को भी डोमिनेट कर दे। लारो क्यू ना आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पापा के जो ठाकुर घर मतलब भगवान बिठाने का जगह है वो कैसा है। मेरे पापा के जो ग्रैनी थे उनके टाइम से है। वाई सच एग्रेसिव गुड मॉर्निंग। हाँ भा 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 गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग दिस टू बिहाइंड। नहा धो के दे आर संडे रेडी। तो आज है संडे, आज पूरा दिन बनने वाला है व्लॉग। मामा क्यू क्यू विल यू गाइस से हाय। I don't think so. Hi, I will say hi. Hi everyone. Welcome back to Mommy's Intelligence. Hope you all are doing good. अभी नहा धो लिया है। आज सुबह मैं अकेले घर से निकली थी, अकेले अकेले बहुत दिनों बाद, और जाके लेके आई हूँ भगवान के लिए फूल माला। तो भगवान के पास थोड़ी देर बैठेंगे, भगवान से अपने दिल की बात करेंगे, भगवान के दिल की बात सुनेंगे, ताकि हमारे आगे के दिन आगे का टाइम थोड़ा अच्छा अच्छा जाए और सबके मन को थोड़ा सा शांति मिले। तो चलिए आप लोगों के साथ। मैं नहीं बोले कि मैं मांगूंगी, मैंने कहा भगवान से दिल की बात बताऊंगी और भगवान के दिल की बात भी सुनूंगी। भगवान के साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा ही है। आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पापा के जो ठाकुर घर मतलब भगवान बिठाने का जगह है वो कैसा है। विश्व ब्रह्मांड के सारे भगवान पापा के पास है, तो सबके दर्शन आज आपसे करवाऊंगी। तो हमारे घर के बाहर जो हिबिस्कस प्लांट है, ये है उसी प्लांट के फूल। सो दीज आर होम ग्रोन, बहुत ही प्रिटी फ्लावर्स है, वाइट एंड रेड। ये भी भगवान को दूंगी और ये जो मैं बाहर से लाई हूँ, क्योंकि भगवान काफ़ी सारे हैं तो माला भी उसके लिए इतने सारे हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पूरे घर में भी इधर उधर फोटोज़ हैं, तो वहाँ पर भी जब भी लाती हूँ बाहर से तो सारे फोटोज़ के लिए भी लाती हूँ। तो जैसे आपने देख लिया, यहाँ पे है माँ दुर्गा, शिव जी, कृष्ण भगवान, गणेश जी के मूर्ति तो है ही, माँ काली, सरस्वती, लक्ष्मी, सारे भगवान, अब जिसका जिनका भी नाम लोगे सारे भगवान के फोटोज़ और मूर्ति सारे यहाँ पे हैं। तो वो जो दुर्गा और शिव जी के मूर्ति है, ये एकदम एंटिक मूर्तिज़ हैं, क्योंकि ये मेरे पापा के जो ग्रैनी थे उनके टाइम से है। ये सारे पत्थर के हैं मूर्ति। ये मैं आने के बाद मैंने सारे मूर्ति को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करके, ये पूजा का रूम थोड़ा क्लीन किया है, और अभी माला लगा के अच्छे से सजाऊंगी इसको। पूजा पाठ इतनी अच्छे से मुझे तो नहीं आता है, पापा को आता है मंत्र वंत्र बोलना। तो ये हमारे बैंगलोर वाले धूप, ठीक है, फॉरेस्ट चंदन। ये बैंगलोर से मैं पापा को दिसंबर में ला के दी थी, पापा अभी भी यूज कर रहे हैं, पापा उसको संभाल संभाल के यूज करते हैं। तो हमारे फर्स्ट फ्लोर में एकदम दीपांजन के ऑफिस डेस्क के ऊपर है काली माँ के ये फोटो। तो जब भी घर पे बाहर से फूल माला आते हैं तो इस फोटो के लिए भी जरूर आता है। बैठ गए हम सब लंच पे। पापा पापा घी भाप जो, पापा क्या सोच रहे हैं खाते खाते। हाँ यहाँ पे है दीपांजन,
जो खा रहा है दाल और बीटरूट की सब्जी। बोले मुझे बहुत प्यारा लगता है, बट बीटरूट की सब्जी एक स्पून ही खाता है। बट बोलने के टाइम बोलता है मुझे बहुत पसंद है, इतना सारा मंगवाओ। तो लेग पीस और बीटरूट दिया जाए तो कौन सा खाऊंगा? दोनों नहीं, अगर एक ऑप्शन है नहीं। तो आज ऐसे ही मेनू है। कल हमने थोड़ा हेवी खाना खाया है, रात को बाहर से भी खाया है, इसलिए आज एकदम हल्का सब्जी, बीटरूट के सब्जी, चिकन का भी झोल आलू के साथ, और उसके साथ कच्चा मैंगो का दाल के साथ फिनिश करते हैं लंच, फिर बात करते हैं। टेबल पे बिल्कुल जगह नहीं है कैमरा रखने का, तो ये खत्म करके, खाना खत्म करके फिर बात करते हैं। क्यों भाई, भाव 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 भाव, वाई वाई सच एग्रेसिव, गुड मॉर्निंग, हाँ भाव 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 भाव, गुड मॉर्निंग, बैड गर्ल, क्यों बैड गर्ल, पोश गर्ल, আমার শুশু গেছ, শুশু ডান, শুশু ডান, ফ্লারি গুড গার্ল, আমার শেক হ্যান্ড, ও ফ্লারি শেক হ্যান্ড, শেক হ্যান্ড, এ তো গুড গার্ল, হ্যাঁ গুড মর্নিং দাদু। হ্যালো গুড মর্নিং, উইকেন্ড ইজ ওভার, স্টার্ট হো গিয়া মন্ডে, বাট মন্ডে ব্লুজ হমে হ্যায় কি নেই হ্যায়? मंडे ब्लूज नहीं है दीपा ने बोला, यहाँ पे मंडे ब्लूज नहीं होता है। तो फ्लरी और कियारा को लेके सुबह कुछ देर यहाँ पे आती हूँ, दोनों थोड़ा खेलते हैं तो उनको भी वो नींद से उठ के जो एनर्जी रिगेन करना होता है वो हो जाता है, उसके बाद बाउल मूवमेंट भी अच्छे से होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए दोनों को यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, और दोनों का जितना सुबह का एक्सरसाइज ज़रूरी है वो हो जाता है। ये एक्सरसाइज हो रहा है, हाँ गुगु इससे यहाँ पे 7-8 स्ट्रेस के गैंग हैं, बहुत ही फ्रेंडली है इंसानों के साथ, बट उनको भी वो टेरिटरी इशू है कि कियारा को यहाँ पे देख के वो भी भौंकते हैं, और हमारी कियारा भी कुछ दूध की धुली तो है नहीं, तो बट कियारा ने सबको ठंडा कर दिया है, सब चले गए हैं। बट अभी उसकी आदत ये हो रहा है कि जब तक ये लोग चुप नहीं हो जाएंगे पूरी तरीके से मैं भौंकती जाऊँगी, और इससे उसके उनके डैडी बहुत इरीटेट हो रहे हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है कि क्या Okay, वो सबको डोमिनेट करेगी, हो सके तो वो मुझे और दीपांजन को भी डोमिनेट कर दे कोशिश भी करती है, क्या बोलते हो? वो नहीं कर पाती वो कर नहीं पाती बट कोशिश करती है